आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का नाम है किशोर की समझदारी। एक राजा था और वो जानना चाहता था ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है और कैसे मिलता है। उसने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि जो कोई भी इस 3 सवालों का उत्तर देगा उन्हें राज्य की ओर से भरपूर इनाम मिलेगा। जब ये निवेदन हुआ था तो एक दिन कोई तो आकर इस सवालों का उत्तर देता था, पर इस जवाबों से राजा संतुष्ट नहीं थे। तो 10वें दिन में एक किशोर आया और सब लोग हैरान हो गए कि जो एक नियम नहीं दे सकता है तो ये एक किशोर बालक कैसे दे सकता है। तभी किशोर ने कहा, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आपके सम्मुख से वो 3 सवालों का उन 3 सवालों का प्रश्न सुनने हैं। ये हो सकता है कि आपके मन में कुछ और हो और बाहर कुछ और। ये राजा इस आत्मविश्वास देखकर बहुत संतुष्ट हुए और फिर राजा ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर कहाँ रहता है, दूसरा सवाल है कि ईश्वर क्या करता है और अंतिम सवाल है कि ईश्वर कैसे मिलते हैं। ये किशोर ने कहा राजा से कि राजा, मुझे एक दूध और चीनी मंगवाइए। जैसे राजा की निवेदन मिला तो दूध और चीनी मंगवाया गया। किशोर ने सभासद के पास जाकर दूध और चीनी को मिलाया और फिर राजा की ओर गया और फिर राजा से बोला कि राजा, ये पी कर बताइए कि ये कैसे है। तो फिर राजा 2 घूंट पिए और कहा कि ये मीठी है। राजा किशोर ने कहा, कैसे मीठी क्यों है। राजा ने कहा, क्योंकि चीनी डाला है। तो फिर किशोर ने बोला कि चीनी कहाँ है। फिर राजा ने कहा, चीनी तो मिल गई। फिर किशोर ने कहा कि यही आपका पहला सवाल का उत्तर है। जैसे दूध में कण कण में चीनी है, वैसे इस धरती में कण कण में ईश्वर है। फिर किशोर ने एक मक्खन मंगवाया। जैसे ही राजा का आदेश मिला, मक्खन मंगवाया गया। उस राजा से प्रश्न पूछा कि मक्खन का दही कैसे मिलता है। उसने कहा कि इसे थोड़ा मिलाना पड़ेगा, फिर दही मिलेगा। तो फिर किशोर ने कहा, तो यही आपका दूसरा सवाल का उत्तर है। जैसे हम इस मक्खन को मिलाए तो दही मिलता जैसे इस दही को मिलाए तो मक्खन मिलता है, वैसे ही अपने को मिलाया तो ईश्वर मिलता है। फिर किशोर ने कहा कि राजा, आप मुझे गुरु माने तो मैं इस तीसरे सवाल का भी जवाब दे सकता हूँ। तो फिर राजा ने कहा, ठीक है, मैंने तुमको मेरा गुरु मान लिया। तो फिर किशोर कहता है, गुरु का स्थान सदा ऊंचा रहता है, और कहा कि आप नीचे आकर बैठिए और मुझे ऊपर बैठने दीजिए। तभी राजा ने थोड़े देर सोचा
कि मैं इसे बिठाऊं क्या नहीं। फिर निवेदन किया कि ठीक है तुम बैठ जाओ। फिर किशोर जाकर बैठा और राजा आकर नीचे बैठा। और फिर किशोर ने कहा, देखिए महाराज, आप यही देख रहे हो तीसरे सवाल का उत्तर। ईश्वर का ये काम है कि वो रंग से एक राजा बना सकते हैं और राजा से रंग। तो यही आपका तीसरे सवाल का उत्तर जवाब है। सब सभासद चौंक गए और राजा भी चौंक गए थे कि एक बालक ने ये सभी इतने अच्छे से समझाया और सही उत्तर दिया। तो इस राजा संतुष्ट हुए और राजा ने बहुत सारे इनाम दिया। धन्यवाद।